अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। मैं ओमकार सजग बुद्धि और चेतना से जगत की गतिविधियों को देखने समझने वाले प्राणी जानते और मानते हैं कि मैं समय की गतिशीलता में व्याप्त एक सचेतन झंकार हूं। मैं ओंकार हूं। समय की गतिशीलता, परिवर्तन और निरंतरता में कभी कोई शक्ति बाधक नहीं हो सकी है। परिवर्तन में अवरोध करने का प्रयत्न जब जब किया गया है, तब तब गतिशीलता ने अवरोधकों को मार्ग से हटाकर परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। यह मेरा ही कर्तव्य है, परिवर्तन का संकेत देने के लिए मैं स्वयं ही प्रयास करूंगा। अचानक ये ध्वनि, ये कंपन। हाँ माँ, ये कैसा कंपन है? अद्भुत है ये ध्वनि और कंपन, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। प्रणाम। सदाशिव के भक्तों के लिए सदाशिव का कोई भी रहस्य सदा के लिए रहस्य नहीं रहता। इस सृष्टि में सभी कुछ परिवर्तनशील है, पल पल क्षण क्षण इस सृष्टि के कण कण में परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन की गति व दिशा सदा ऊपर से नीचे की ओर ही होती है। इस सृष्टि में व्याप्त अनाचार, अत्याचार, अनीति व अन्याय को समाप्त कर लोक हित में मानव कल्याण के लिए ही ये परिवर्तन होते हैं। इसीलिए सात्विक शक्तियां भव्य एवं विराट रूप धारण करती रहती हैं। कैसी भव्यता, कैसा विराट रूप? इसका प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव तो कैलाश पर जाकर ही होगा। किसी मायावी का प्रवेश हुआ है वैकुंठ लोक में? प्रवेश अवश्य हुआ है, किंतु किसी मायावी का नहीं। तो फिर महान विराट और कैलाश चलने पर ही क्या होगा देवी? देवी सरस्वती, क्या जिस दिव्य स्पर्श का अनुभव मैंने किया है वैसा ही तुमने भी किया है? हाँ स्वामी, हुआ तो है, पर ये है क्या? इसका उत्तर तो कैलाश पर जाकर ही मिलेगा। गुरुदेव, गुरुदेव, क्या आपने भी इसे अनुभव किया? हाँ देवराज, मैंने और आपने ही नहीं, ये कंपन जगत के प्रत्येक प्राणी ने अनुभव किया। हाँ गुरुदेव, मुझे भी अनुभूति हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिव्य तरंगों ने मेरा भी स्पर्श किया है। अर्थात ये कंपन हम सभी ने अनुभव किया है? गुरुदेव, ये कंपन, ये अनुभूति, ये दिव्य स्पर्श है क्या? इसका स्पष्ट ज्ञान तो कैलाश पर चलकर ही होगा देवराज। फिर तो हमें शीघ्र ही कैलाश चलना चाहिए। हाँ स्वामी, हमें वहाँ चलना ही चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
परम शक्तिमान भगवान सदाशिव की जय। किंतु परमपिता नारद, सृष्टि में और अधिक भव्यता का निर्माण होगा। हाँ नारद, लोक कल्याणकारी कार्यों की वृद्धि के लिए देवाधिदेव ने भव्य एवं विराट स्वरूप धारण किया है। जगत में सात्विकता के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए एवं प्रकृति को विराट बनाने के निमित्त स्वयं सदाशिव विराट बने। परम शक्ति स्वयं को विराट, भव्य और अधिक विस्तृत करेगी, तभी भव्यता और विस्तार संभव होगा। किंतु आश्चर्य का कोई कारण ही नहीं है। लोक कल्याण, सात्विकता और विराट सत्य के प्रसार के लिए इस विराट रूप का संकेत आप सभी को प्राप्त हो चुका है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि सृष्टि के सुचारू संचालन के लिए हम सभी को समय समय पर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करनी पड़ती हैं। ये स्वरूप भी ऐसी ही लीला का एक भाग है। इसका उद्देश्य केवल यह है कि जगत में पुण्य, धर्म, सदाचार और सत्कर्मों में वृद्धि। तो भगवान, क्या भविष्य में ऐसा कुछ घटित होने की संभावना है जो कि इस जगत के लिए चिंता एवं विपदा कारक होगा? देवराज, इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा कि तामसिकता की उत्तरोत्तर वृद्धि से जगत में देव और मानव दोनों ही त्रस्त और ग्रस्त हैं। आसुरी शक्तियां भी विस्तार पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। ऐसी स्थिति में आसुरी शक्तियों को सीमा उल्लंघन करने और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकना ही होगा। जब जब तामसिक शक्तियां देव अथवा मानव को कष्ट और हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगी, तब तब मेरा ये स्वरूप उनका विनाश करेगा। विनाशपति परम शक्तिमान भगवान शिव शंकर की जय। जो हुआ है, जो हो रहा है और भविष्य में भी जो होगा, अच्छा ही होगा, लोक हित में होगा, प्राणी मात्र के सुख संतोष की वृद्धि के लिए होगा। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय। त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की जय। कैलाशपति रुद्र अवतार नीलकंठेश्वर की जय। समस्त जगत के कल्याण के लिए अनादि अनंत अजर अमर सदा शिव ने अपने विराट रूप के दर्शन करवाकर ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, पार्वती सभी देवताओं तथा देवर्षि नारद की जिज्ञासा को शांत किया। नारद सदा की भांति भ्रमण हेतु आकाश में विचरण करने लगे। अनायास देवर्षि नारद की दृष्टि शैल पर्वत पर बैठे कुमार कार्तिकेय पर पड़ी। ओम नमः शिवाय। कुमार कार्तिकेय, धन्य है आप कुमार कार्तिकेय, धन्य है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज मुझे आपके दर्शन का लाभ हुआ। उनका तो कहना यही था कि मैं आपसे भेंट ही ना करूं, किंतु उनका अभिप्राय मुझे आपके दर्शन से वंचित रखना तो कदापि नहीं था। वे तो केवल इतना चाहते हैं कि मैं आपके मन में माता पिता के भेंट की इच्छा जागृत करूं, और ये कार्य आपके सम्मुख आए बिना कैसे संभव होगा कुमार।
नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देव ऋषि आप यहाँ? हाँ कुमार कार्तिकेय, बहुत दिनों से कैलाश पर आपके दर्शन नहीं हुए, सो आपके दर्शन की इच्छा लेकर यहाँ चला आया। मेरे दर्शन की इच्छा? ये क्या कह रहे हैं देव ऋषि? मैं तो स्वयं पिता भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती के दर्शन का इच्छुक हूँ, किंतु क्या करूँ, विवश हूँ। वहाँ सभी कुशल मंगल है ना? नारायण नारायण, संपूर्ण जगत का कल्याण और मंगल ही मंगल करने वाले भगवान भोलेनाथ के यहाँ सर्वत्र मंगल ही मंगल होगा कुमार कार्तिकेय। परंतु एक बात मेरी बुद्धि में नहीं आ रही है, क्या आप उसे स्पष्ट करेंगे? जो देव ऋषि की बुद्धि से परे है उसे मैं कैसे स्पष्ट कर सकता हूँ? अवश्य कर सकेंगे कुमार कार्तिकेय, अवश्य कर सकेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपसे और आपसे संबंधित गतिविधियों से संबद्ध है। वो कौन सा प्रश्न है देव ऋषि? यही कि आप कैलाश का त्याग कर यहाँ क्यों विराजमान है? ये तो मैं इससे पूर्व भी स्पष्ट कर चुका हूँ देव ऋषि, संभवतः आपको स्मरण नहीं रहा। तीनों लोकों की समस्याओं का भार मेरी बुद्धि पर होता है कुमार कार्तिकेय, संभवतः स्मरण न रहा हो, कृपया आप पुनः बता दे। देव ऋषि, मैंने शैल पर्वत के वन में रहने वाले वनवासियों और आदिवासियों को भक्ति तथा ज्ञान में प्रवृत्त करने का संकल्प किया है। अगस्त मुनि की प्रेरणा से अब मैं इसी स्थान पर अपने कर्तव्य और दायित्व से बनकर रह गया हूँ। तो आपका संकल्प, दायित्व और कर्तव्य पूर्ण होने पर आप पुनः कैलाश आ जाएंगे न कुमार कार्तिकेय? नहीं देव ऋषि, अब ये संभव नहीं। क्यों कुमार कार्तिकेय, इसमें असंभव क्या है? देव ऋषि, यहाँ के आदिवासियों ने मुझे इतना प्रेम सम्मान और आदर दिया है कि इच्छा करने पर भी मैं उनसे विलग नहीं हो सकूंगा। कुमार, आपने अपने माता पिता के विषय में क्या सोचा है? क्या वे आपसे अधिक समय विलग रहकर प्रसन्न रह सकेंगे? मेरे सोचने से क्या होता है देव ऋषि, होता तो वही जो पिता भोलेनाथ सोचते हैं। तो आप उन्हें सोचना होगा कि पुत्र से मिलने के लिए वे यहाँ आए, क्यों? भक्तों की पुकार पर तो वे दौड़े आते हैं, फिर मैं तो भक्त और पुत्र दोनों रूप में हूँ, क्या वो मुझे दर्शन देने नहीं आएंगे? आशुतोष नाम है उनका, भक्त की पुकार को अनसुनी करना स्वयं उनके वश में भी नहीं, और अब तो उनके दर्शन पाकर आपको एक नवीन अनुभव होगा। कैसा नवीन अनुभव देव ऋषि? उनका अद्भुत दिव्य और विराट रूप देखकर। अर्थात? अर्थात क्या कुमार, आपने लोक कल्याण, लोक सेवा और शिव भक्ति से प्रवृत्त होकर कैसा भव्य एवं विराट रूप धारण कर लिया है, तो ऐसे में क्या पिता अपने पुत्र से पीछे रहेंगे? उनका तो नाम ही शिव है, अपनी कल्याणकारी गतिविधियों को तीव्र करके वे अपनी लीलाओं का प्रसार भी तीव्र करेंगे, तो स्वाभाविक है उनका रूप अधिक भव्य एवं विराट हो गया है। तब तो मैं शीघ्र ही दर्शन करना चाहूंगा देव ऋषि। कुमार कार्तिकेय, तुम्हारी ये इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। स्वामी, नारद अभी तक नहीं लौटे? हाँ देवी, समाचार प्राप्त करने और पहुंचाने में अति प्रवीण नारद निश्चित रूप से अब तक कार्तिकेय के पास पहुंच चुके होंगे। अब तक केवल वहां पहुंचे होंगे? मेरा विचार था कि वे यहां पहुंच रहे होंगे। पूरी बात सुने देवी, नारद अब तक ये भी जान चुके होंगे कि कार्तिकेय हमसे मिलने के लिए व्यग्र है। व्यग्र तो हम भी हैं कार्तिकेय से मिलने के लिए। तो फिर हम ही चलते हैं कार्तिकेय के पास। और नारद जो संदेश लेकर आने वाले हैं? संदेश तो हमें मिल ही चुका है देवी, हम क्या नारद का संदेश पाकर गतिमान होंगे? वो यहाँ पहुँचे इससे पूर्व ही हमें प्रस्थान कर देना चाहिए। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो चलिए प्रभु, मैं स्वयं कार्तिकेय से मिलने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। चले प्रभु। ओम
भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती न जाने कहाँ अदृश्य हो गए, क्या आपको ज्ञात है? नंदी महाराज, भोलेनाथ अदृश्य होकर जहाँ भी गए हैं उन्हें खोजता हुआ मैं वहाँ अवश्य पहुँच जाऊंगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय।